नमस्कार, आप हाँ देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आज हमारे साथ इस इंटरेक्शन में जुड़े हैं विष्णु। और विष्णु के बारे में शायद अगर मैं बताऊं तो वो सही नहीं होगा, मैं विष्णु से ही जानना चाहूंगा इनकी जर्नी के बारे में। ये खुद हमें अपने बारे में बताएंगे क्योंकि ओलंपिक से पहले अगर आप देखिए तो शायद बहुत सारे गेम्स हैं जो हमें एशियन गेम्स में जिन्होंने हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे हमारा जो पर्सपेक्टिव है अगर आप उस हिसाब से देखें तो चीजें बहुत पॉजिटिवली निकल कर आती हैं। विष्णु, जंपिंग करने से पहले, तमाम स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट रिलेटेड सवालों से पहले, जंपिंग करने से पहले उसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसी रह रही हैं तैयारियां। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। पहली बात तो यह है कि मैं इधर 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था मार्से में। उसके बाद मैं इटली 10 दिन गया, फिर उधर से वापस अभी मार्से में हूँ जहाँ पे हमारा ओलंपिक लोकेशन है। और काफी अच्छा तैयारी चल रहा है कोच के साथ, और हम बस अपना बेस्ट देंगे, देखते हैं कैसा चलता है। अभी अभी तक तो फिजिकली और मेंटली काफी प्रिपरेशन काफी तगड़ा चल रहा है। ऑफकोर्स डीएसएफ और आर्मी और साई ने काफी सपोर्ट किया है सब में, और इसके वजह से हम काफी परफॉर्म कर पा रहे हैं। और प्रीवियसली अभी वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा। जैसा आपने विष्णु बताया कि आपने पिछले काफी टाइम से यहाँ पर वक्त दिया है, आप इटली भी थे, यहाँ पर आप तैयारी भी पिछले 2 महीने से कर रहे थे। एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो किसी एथलीट को, जब आप ऐसे किसी विलेज में जाते हो या किसी ऐसे कॉम्पिटिशन में जाने से पहले आपको कंडीशन में थोड़ा सा एक्लिमेटाइज करने का भी वक्त चाहिए होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइंडसेट ऑफ द प्लेयर, राइट। उसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि देखिए पेरिस में आप जाओगे, आप ओलंपिक्स के लिए जा रहे हो, बट उस कंडीशन में अपने आपको ढालना, उसमें अपने आपको सेटल करना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नो डेफिनेटली, बिकॉज मैं जहाँ पे हूँ, जो मेरा स्पोर्ट है वो काफी नेचर के साथ है, और पानी, हवा, टाइडल, सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट देन मोस्ट ऑफ द अदर स्पोर्ट्स, इवन दो वेदर प्लेज अ बिग रोल। तो हम लोग ने क्या किया कि हमने पहले ही, मतलब 2 महीने पहले मार्से में आ गए। मार्से इज वेयर वी आर हैविंग द ओलंपिक गेम्स, हमारा ओलंपिक लोकेशन। तो हम इधर आके 2 महीना प्रैक्टिस किया, फिर जो 2 रेगाटा सेल किया, फिर इधर बेसिक द होल वेन्यू वी मैप्ड इट आउट एंड देन वी लर्न्ड अबाउट इट एंड वी काइंड ऑफ स्टडीड द होल थिंग एंड वी मेड अ रूटीन ऑफ वी मेड अ रूटीन ऑफ बीइंग यू नो एक्टिव एंड देन जस्ट फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयरिंग। सो इट रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स बिकम लाइक होम नाउ, बिकॉज 2 महीने से ज्यादा मैं इधर एक जगह पे हूँ, और काफी मतलब काफी टाइम स्पेंड किया और काफी फ्रेंड्स बनाए, काफी मतलब अच्छा एनवायरमेंट में हूँ। तो काफी देखते हैं कैसे चलता है। गेम्स गेम्स तो गेम्स है, कॉम्पिटिशन है, हमारा बेस्ट देना है बस। बिल्कुल, बेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एशियन गेम्स की बात करें, ब्रॉन्ज मेडल और सेलिंग एज स्पोर्ट अगर आप इंडिया में बात करें तो शायद उतना पॉपुलर नहीं, दिस इज द फैक्ट। एंड शायद ये एक खिलाड़ी के लिए उतना सही भी नहीं, इतना पॉजिटिवली भी शायद आप इस चीज को ना लें, बट जिस तरीके से हमने प्रदर्शन देखा है एशियन गेम्स में, हमारे वाटर स्पोर्ट्स में, वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है और बहुत पॉजिटिव फ्यूचर की प्रॉमिसिंग प्रॉमिस भी देता है कि ठीक है, अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आप लोग की मेहनत रंग ला रही है, वो पोडियम फिनिश हमें देखने को मिल रही है, दैट्स मेकिंग द स्पोर्ट पॉपुलर, राइट। कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई कि आप सेलिंग में जा रहे हो? ठीक है, हमने आपके फादर के बारे में पढ़ा, वो स्ट्रगल बहुत रहा होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को शब्दों में पढ़ते हैं वो बहुत छोटा लगता है कि ठीक है, हाँ बयां हुआ, ये चीजें ऐसी रही हैं, बट जिनके ऊपर बीतती है, जो उस परिवार को चलाते हैं और जो बच्चा, जो भी बच्ची उस चीज को परस्यू करते हैं, बहुत मुश्किल रहता है। डेफिनेटली ये जो हमारा स्पोर्ट है वो काफी डिफिकल्ट स्पोर्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्विपमेंट स्पोर्ट है, और समुंदर चाहिए या लेक चाहिए, तो इट्स अ डिफरेंट गेम कम्प्लीटली। डेफिनेटली इट्स ऑन अ लोअर एंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल्सो नोइंग अबाउट इट। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू यू नो मेक इट मोर विजिबल टू पीपल एंड ऑल्सो ट्राई टू उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस दे कि क्या हम एक्चुअली में क्या करते हैं, नाव चलाते हैं, मगर इट्स अ कॉम्पिटिटिव थिंग यू नो। सो इट्स इवन माय ग्रैंड पेरेंट्स दे डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग अंटिल आई एक्चुअली वेंट टू द ओलंपिक्स, बिकॉज़ दैट्स नॉर्मल, दैट्स रियलिटी, बिकॉज़ नो इट्स नॉट अ नोन स्पोर्ट एंड आई थिंक वी हैव टू चेंज दैट। नॉट ओनली माय स्पोर्ट, देयर्स मेनी स्पोर्ट्स व्हिच आर नॉट अंडर बिल्कुल
the limelight. So I think the simplest thing is to educate kids about all these sports, and in a young age, if they learn about it, then they will, get to know about it. Of course, struggles तो है, सब स्पोर्ट में है. और मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, बिकॉज मोस्ट ऑफ माय डिफिकल्टीज हैव बीन डन बाय माय डैड. ही टुक द मोस्ट ऑफ द हिट. आई ओनली ही मेड माय लाइफ मच इजियर जस्ट टू फोकस ऑन सेलिंग एंड द स्पोर्ट इटसेल्फ. सो दैट्स व्हाई आई एम मच मोर इन फ्रीडम एंड परफॉर्मिंग मच बेटर. And of course, thank you to all the support that's given by like SAAI after Tokyo Olympics and DSF, and GSF as well. So they're all like a family to me, and they all help me. So which kind of lessens that burden of financial and basically everything. And I'm just focusing on my own sport, sailing. As a young kid, that's the main goal, and just to have sailing as a full-time job and just to enjoy it while it's happening. So yeah. टोक्यो रिजल्ट शायद उतना अच्छा नहीं रहा होगा विष्णु, रहा नहीं है ऑब्वियसली, बट अगेन एशियन गेम्स कॉन्फिडेंस देता है, ब्रॉन्ज मेडल, कितना कॉन्फिडेंस वहां से आप कैरी करके आते हो, और ओलंपिक जैसे आप टूर्नामेंट में जाते हो, ओलंपिक जैसे गेम्स में जाते हो, यहाँ पर ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, एशियन गेम्स शायद उसके आसपास भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ल्ड बेस्ट देखने को मिलते हैं, बट अगेन हमें भी पता है कि विष्णु इज आर बेस्ट एंड हमारी होप्स बहुत ज्यादा हैं आपसे, और उम्मीदें हैं, बट अगेन वो जो होप्स बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस लगता है, तो शायद कई मरतबा ये भी होता है कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस वहां पर थोड़ी सी हमें देखने को मिलती है कि वो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चलने लगता है स्पोर्ट में, एंड जब वो चलता है, मैंने कई कोचेस से सुना है हर स्पोर्ट्स में कि जब दिमाग ज्यादा चलने लगता है, व्हेन यू ओवरथिंक, शायद वो परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आती। डेफिनेटली जो एशियन गेम्स का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट था, क्योंकि आई वाज वेरी क्विक, आई वाज थिंकिंग अहेड एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. एंड रिसेंटली ऑल्सो जो भी हमारा प्रदर्शन था, मतलब वर्ल्ड कप में आई वाज इन टॉप 10, सो इट वाज वेरी गुड रिजल्ट सो फार. एंड आई बिलीव इन प्रिपरेशन एंड रूटीन रादर देन गोइंग इन कॉन्फिडेंस. जो भी फेक कॉन्फिडेंस, जो फेक एड्रेनलिन, वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम बूस्ट करते हैं, क्योंकि दैट विल इन लॉन्ग टर्म डैमेज योर हेल्थ. क्योंकि आफ्टर 6 days वो एड्रेनलिन एकदम कम हो जाता है, और फिर हम एकदम फिजिकली एंड मेंटली वी बिकम वेरी टायर्ड. बट आई वर्क ऑन मोर नेचुरल प्योर वे, लाइक बिल्डअप इन माई प्रिपरेशन विच इज ऑलरेडी, ये 2 महीना नहीं, मतलब ये 6 साल का प्रिपरेशन है. तो हम वैसे चल रहे हैं, और इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल विच आई बिलीव इन, एंड स्लोली विच आई एंड एवरीबडी एल्स हु सराउंडेड मी बिलीव इन. एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. द टारगेट फॉर द ओलंपिक्स इज क्लियर, एंड आई होप टू अचीव दैट. एंड आई वर्क एवरीथिंग फॉर इट, सो लेट्स सी हाउ इट गोज. I just have to smile and keep going, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है आपने बोली कि अब वो एड्रेनलिन रश, वो तमाम चीजें वो आपको शायद थोड़ा 2 4 दिन 6 दिन तक मदद करें, बट अगेन आपको अपनी जहाँ स्टिक करना है वो आपकी रूटीन है, आपकी प्रैक्टिस है, वो तमाम चीजें। एक आखिरी सवाल विष्णु, मतलब अब सेलिंग एज ए स्पोर्ट हमें पता है आप जब जाते हो, एनवायरमेंट, हवा, पानी, तमाम चीजें, तमाम फैक्टर्स उस गेम में इन्वॉल्व है। फिटनेस आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पर आपको फिटनेस की एक लेवल अचीव नहीं करनी होती, बल्कि आप जितने लेवल तक जाते रहते हो आपको लगता है कि नाउ आई नीड टू इंक्रीज माय टारगेट, आई नीड टू गो अप गो अप गो अप। सेलिंग अगेन बहुत आसान लगता होगा लोगों को, बहुत इजी लगता होगा कई मरतबा कि हाँ ठीक है इस पर फन, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू फिटनेस इट इज ऑन द कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। आई अग्री, बिकॉज जो मैं बोट सेल करता हूँ इट्स कॉल्ड इल्का 7, तो वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल बोट्स इन द ओलंपिक कैटेगरी. तो इसलिए बहुत लोग जो है ये बोट सेल नहीं करते, क्योंकि हम लोग सेल करते हैं फिर क्विट कर देते हैं, क्योंकि ये काफी फिजिकली डिमांडिंग है. और ऊपर से वंस यू गेट फिजिकली फिट, यू हैव टू बी गुड मेंटली एज वेल टू प्ले द टैक्टिक्स, बिकॉज True. इट्स अ स्लो बोट. तो सबका बोट स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, और ये वन डिजाइन है तो सबका बोट सेम है. तो इट्स जस्ट प्योर स्किल एंड प्योर टैक्टिक्स.
फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है. मैं काफी काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस पीरियड में. ये मेरा तीसरा दिन है जो मैं जिम नहीं किया अभी तक, बस स्ट्रेचिंग और बाकी अदर लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ. बट हाँ, मतलब काफी तगड़ा रहना चाहिए, मतलब जो भी ये करना है तो लेग से लेके शोल्डर, कोर, बैक. इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इन वन पर्टिकुलर थिंग, वो मे बी आप जब 20s में वो फील नहीं होएगा, बट जैसे आप 30 से टो गए, बैक विल गिव अप, शोल्डर विल गिव अप. सो इट्स इन लॉन्ग राइट टर्म राइट इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव एवरी थिंग इन गुड फिजिक. ऑल्सो बिकॉज हम विंड और मतलब विंड पावर के साथ खेलते तो काफी स्ट्रांग कभी कभी हो जाता है, और ऊपर से धूप में हम लोग 6 घंटा 7 घंटा है, तो इट्स लाइक डिहाइड्रेशन. ये तो वी ऑल हैव टू लुक इनटू दीस थिंग्स एंड हैव टू बी न्यूट्रिशनली वेरी फिट एंड ऑल्सो फिजिकली वेरी फिट गोइंग इनटू द इवेंट. बिल्कुल, आपने एक बात कही विष्णु कि काफी तगड़ा रहना पड़ता है, तो बिल्कुल काफी तगड़ा रहना पड़ता है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट में जाने से पहले वो प्लेयर का एक माइंडसेट भी होता है कि वो एक अपने जोन में होना चाहता है। बट आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ओलंपिक्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आप जाइए बेहतर करिए, और हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। Thank you, thank you, thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.